आज के इस वीडियो में हम आप लोग को बताने वाला हूँ कि आप लोग ई-श्रम कार्ड घर बैठे ऑनलाइन खुद से कैसे बनाएंगे। आप 5 मिनट में अपना ई-श्रम कार्ड को बना सकते हैं, अपना अपना घर में फैमिली मेम्बर में या फिर किसी का भी ई-श्रम कार्ड को बहुत ही आसानी से मोबाइल से या फिर अपने कंप्यूटर से बना सकते हैं, जिसका फुल प्रोसेस इस वीडियो में बताऊँगा। ई-श्रम कार्ड भारत सरकार सितंबर 2021 में लॉन्च किए, जो कि सभी को बनाना है, मतलब जो इनकम टैक्स पे नहीं करते हैं, जिनका उम्र 16 साल से 59 ईयर्स मतलब 59 वर्ष है, जो मजदूर है, किसान है, दुकानदार है, दूध वाले हैं या फिर खेती करते हैं, सभी को ये कार्ड बनाना है। जैसे कि देख सकते हो फोटो में, ये दुकानदार है, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो ऑटो रिक्शा ड्राइवर वाले, सभी कोई जो इनकम टैक्स नहीं फिल करते हैं, भारत के हैं, उनको ये श्रम कार्ड बनाना है, जिसमें 12 डिजिट का एक UN नंबर भी मिलेगा, जो PF अकाउंट में लिंक किया जाएगा, PF भी मिलेगा और UN अकाउंट नंबर भी मिलेगा। तो कैसे श्रम कार्ड को बनाना है उसका फुल प्रोसेस देख लीजिए, वीडियो के साथ बने रहिएगा। वीडियो जरूर आपको इन्फॉर्मेटिव लगेगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड ग्रुप में शेयर कीजिएगा, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए अभी बात करते हैं श्रम कार्ड को कैसे आप लोग घर बैठे खुद से बनाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल का या फिर अपना कंप्यूटर का ब्राउजर, कोई भी एक ब्राउजर को ओपन कीजिए, गूगल पे लिखिए e-Shram। जैसे e-Shram लिख के आप इंटर करेंगे तो फर्स्ट में जो वेबसाइट ओपन होगा देख सकते हैं e-Shram होम पेज, इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसे इसको ओपन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा, यहाँ पर e-Shram लिखा हुआ रहेगा देख सकते हैं। उसके बाद रजिस्टर ऑन e-Shram, रजिस्टर टोटली फ्री, मतलब ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक भी रुपया आपको इस कार्ड के लिए पे नहीं करना। सिर्फ इसके बाद जो प्रिंट आउट निकलेगा उसी का आपको चार्ज, अगर बाहर में कराएंगे तो ठीक है, अपना घर पर प्रिंटर है तो खुद से प्रिंट कर सकते हैं, उसी का चार्ज लेगा, बाकी आपको श्रम कार्ड के लिए कोई चार्ज पे नहीं करना। और मोबाइल से भी ओपन कर रहे हैं तो रजिस्टर ऑन श्रम का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना। जैसे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा, आपके सामने पूछा जा रहा है क्या क्या डिटेल्स मतलब रिक्वायर्ड है। देख सकते हैं कैंडिडेट का आधार चाहिए, मतलब जिनका श्रम कार्ड बना रहे उनका आधार नंबर चाहिए, उनका आधार के साथ, अगर आप सेल्फ रजिस्ट्रेशन मतलब खुद से ऑनलाइन बना रहे हैं तो आधार के साथ मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। अगर किन्हीं का आपको बनाना है श्रम कार्ड लेकिन आधार कार्ड के साथ उनका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, तो प्रज्ञा केंद्र, अपना नज़दीकी प्रज्ञा केंद्र में जाके श्रम कार्ड को बना सकते हैं, तो वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बनाएगा। सिर्फ आपको जो कार्ड बनाने का, प्रिंट का और लेमिनेशन करने का जो चार्ज लगेगा वही लगेगा, बाकी आपको ई-श्रम कार्ड बनाने का पैसा वो नहीं लेगा, ठीक है। अभी आपका मोबाइल पे अगर मतलब आधार पे अगर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो कैसे बनाएंगे, देखिए आधार नंबर चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए जिसमें OTP आएगा, फिर बैंक अकाउंट का डिटेल्स चाहिए और आपका उम्र जो है 16 साल से 59 वर्ष होना चाहिए, मतलब 17/12/2005 के बाद जो जन्म है और 18/12/1961 से पहले, ठीक है, उनके बाद क्या नहीं। तो सेल्फ रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन इधर ऑप्शन है देख सकते हैं, आधार लिंक मोबाइल नंबर प्रीफर्ड, मतलब मोबाइल नंबर को यहाँ पर फिलअप करना, जो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर डाला हुआ मोबाइल नंबर, फिर जो कैप्चा कोड यहाँ पर दिखाई देगा उस कैप्चा कोड को यहाँ पर फिलअप करना, उसके बाद यहाँ पर कन्फर्म करना देख सकते हैं, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन मतलब EPFO का अकाउंट, अगर EPF में आपका पहले से रजिस्टर्ड है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे, उसके बाद ESI में आपका अगर अकाउंट है तो यस करेंगे नहीं तो नो करेंगे, मतलब अगर आप किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन किसी प्राइवेट कंपनी में या फिर कहीं पर भी पहले अगर जॉब करते थे तो आपका EPFO का अकाउंट होगा, UN अकाउंट पहले से होगा या फिर ESI में आपका ID होगा तो यस करेंगे दोनों में, नहीं तो नो करेंगे, ठीक है, ये बात समझ लीजिए। पहले से आपका EPFO का ID नहीं होना चले, जो जनरल आदमी है जिनको EPF या फिर ESI के बारे में नहीं पता तो वो सब नो ही करेंगे। नो करने के बाद आपको सेंड OTP में क्लिक करना है, जैसे सेंड OTP में क्लिक करेंगे तो आधार लिंक वाला मोबाइल पर OTP आएगा, OTP डाल के कन्फर्म करेंगे, उसके बाद कैंडिडेट का आधार नंबर फिलअप करना है, एग्री में टिक करना और सबमिट कर देना। जैसे सबमिट करेंगे तो आधार रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक OTP आएगा, उसको डाल के आपको वैलिडेट करना। जैसे वैलिडेट करेंगे तो कैंडिडेट मतलब जिनका कार्ड बना रहा है उनका फुल डिटेल्स आ जाएगा, आधार में जैसा फोटो है वही फोटो आएगा,
नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस सब कुछ दिख जाएगा। आधार से उसका डाटा को ले लिया जाएगा। उसके बाद आई एग्री में टिक करना और कंटिन्यू करना। जैसे कंटिन्यू करेंगे उसके बाद आपसे यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स पूछा जा रहा, मतलब पहले से अगर मोबाइल नंबर जो है वो है, इमरजेंसी मोबाइल नंबर को डाल सकते हैं, मतलब अगर एक्स्ट्रा कोई एक नंबर डालना घर का या फिर किसी और का नंबर दे सकते हैं। ईमेल आईडी अपना डाल सकते हैं अगर है तो, नहीं तो छोड़ दीजिए। उसके बाद मैरिटल स्टेटस, शादी है तो मैरिड कर दीजिए, नहीं तो अनमैरिड कीजिए। फादर्स नेम उसका फिलअप करना जिसका कार्ड बना रहा है। फिर सोशल कैटेगरी मतलब जनरल ओबीसी एसटी एससी क्या है वो सेलेक्ट करना। उसको सेलेक्ट करने के बाद आपका ब्लड ग्रुप पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप आपको अगर मालूम है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देंगे। डिफरेंटली एबल्ड, इसका मतलब समझिए, अगर जिसका कार्ड बना रहा है वो अगर फिजिकली हैंडीकैप है तो यस करेंगे, नहीं है फिजिकली हैंडीकैप, विकलांग नहीं है तो नो करेंगे। उसके बाद पूछा जा रहा है नॉमिनी डिटेल्स, ठीक है। नॉमिनी डिटेल्स नीचे जो ऑप्शन है इसका मतलब समझिए, जैसे कोई भी बैंक अकाउंट ओपन करता है तो नॉमिनी तो पूछता ही है कि नॉमिनी किनको रखेंगे आपके बाद, अगर पैसा वैसा है तो वो किनको मिलेगा। तो अगर कोई ऐसा आदमी का फॉर्म मतलब कार्ड बना रहा है जिनका शादी नहीं हुआ तो नॉमिनी में उनका फादर्स को या फिर मदर्स को, मम्मी को या पापा को रख सकते हैं। अगर शादी हो गया है, जेंडर मेल है तो उनको आप फीमेल मतलब अगर वाइफ है तो उनको नॉमिनी में रख सकते हैं। अगर वाइफ का ही बना रहे हैं तो नॉमिनी में उनका हस्बैंड को रख सकते हैं। तो नॉमिनी में उनका नाम देना है, उनका डेट ऑफ बर्थ को फिलअप करना, जेंडर सेलेक्ट करना, रिलेशनशिप सेलेक्ट करना कि रिलेशनशिप क्या है, देख सकते हैं डॉटर है, मदर्स है, ग्रैंड मदर है, ठीक है। ये सबको आप अनमैरिड सिस्टर है, विंडो सिस्टर है, देख सकते हैं इन सबको आप मतलब नॉमिनी में रख सकते हैं। फिर सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद आपका रेसिडेंटल डिटेल्स पूछा जा रहा है कि आप अभी जहां रह रहे हैं उनका एड्रेस बताइए। तो पहले आपको स्टेट लेना उनका, उसका हाउस नंबर है तो ठीक है, नहीं है तो वहां पर एनए कर देंगे। फिर विलेज पोस्ट पुलिस स्टेशन करके लिख देंगे। स्टेट सेलेक्ट करेंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे जहाँ अभी रह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पिन कोड आपको फिलअप करना। उसके बाद यहाँ पर स्टेइंग करंट लोकेशन मतलब जहाँ पर अभी आप रह रहे हैं वो कितना वर्ष से वहाँ पर रह रहे हैं, एक साल से, दो साल, तीन साल से, पाँच साल, पंद्रह साल या पच्चीस साल से ज़्यादा में आप वहाँ रहते हैं तो उसको आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना। तो 25 साल से ज़्यादा रह रहे तो ठीक है, जहाँ रह रहे हैं वहाँ 10 साल से रह रहे तो उसको सेलेक्ट करेंगे। अगर परमानेंट एड्रेस अलग है आपका, सेम जो लिखे वो परमानेंट एड्रेस नहीं है, अलग परमानेंट एड्रेस है, तो यहाँ पर अलग आप अपना परमानेंट एड्रेस को लिख सकते हैं। अगर दोनों सेम है, परमानेंट और लोकल जो अभी दिए, तो ऊपर में जो टिक करने का ऑप्शन है उसको टिक कर देंगे। टिक जैसे करेंगे मतलब दोनों सेम है, फिर सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। उसके बाद एडुकेशनल डिटेल्स पूछा जा रहा कि जिनका कार्ड बना रहा वो कितना दूर पढ़े लिखे हैं, ठीक है। एडुकेशनल क्वालिफिकेशन में देख सकता है नॉट लिटरेट मतलब पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ है, तो नॉट लिटरेट करेंगे फर्स्ट वाला। उसके बाद बिलो प्राइमरी, सेकेंडरी, मिडिल, हाई, टेक्निकल, पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन सब कुछ ऑप्शन उसको डाल सकते हैं। सर्टिफिकेट नहीं भी अपलोड करेगा तो चलेगा। उसके बाद पूछा जा रहा मंथली इनकम स्लैब मतलब जिनका कार्ड बना रहा वो मंथली कितना इनकम करते हैं, महीना में कितना इनकम करते हैं। 10,000 एंड बिलो, 10,000 से कम करते हैं तो फर्स्ट वाला लेंगे, 10,000 से ज्यादा करते हैं, 15,000 से कम तो सेकंड वाला लेंगे, और 21,000 से भी ज्यादा अगर कमाते हैं तो लास्ट वाला आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे जिनका कार्ड बना रहा है, नहीं तो आप इसको मतलब इसको तो सेलेक्ट करना ही पड़ेगा। उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, इनकम सर्टिफिकेट नहीं है तो छोड़ देंगे, ये कंपलसरी नहीं है। जो स्टार मार्क है वो कंपलसरी है, जो स्टार नहीं है वो कंपलसरी नहीं है। तो आप लोग अपना सही सही इनकम डिटेल्स को फिल करेंगे। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। जैसे सेव एंड कंटिन्यू करते हैं उसके बाद आपसे पूछा जा रहा ऑक्यूपेशन डिटेल्स मतलब अभी आप क्या कर रहे हैं, प्राइमरी ऑक्यूपेशन क्या है, आप क्या काम करते हैं, सब कुछ यहाँ पर सर्च करेंगे तो 10,000-1,000 मतलब वर्किंग दिया हुआ, कारपेंटर है, जॉइनर है, क्या काम करते हैं। अगर यहाँ पर मिलेगा तो ठीक है, हल्का फुल्का लिख के देखेंगे, नहीं तो इधर आई में क्लिक करेंगे तो सभी कुछ डिटेल्स आपको दिखेगा कि किन आप क्या काम करते हैं, उनका कॉड नंबर मिलेगा, ठीक है। उस कॉड नंबर को आपको वहाँ पर लिख लेना। नहीं मिलता है क्या काम कर रहे हो तो 4x9s को ले लेंगे, देख सकते हैं 999 मतलब अन्य। उसके बाद जो आप वर्क लिए हैं वो कितना साल से कर रहे हैं, जो भी काम आप ऊपर में सेलेक्ट किए कितना साल से कर रहे हैं, एक साल से कर रहे, दो साल से कर रहे, उसको लेना है। सेकेंडरी ऑक्यूपेशन अगर दूसरा और काम करते हैं उसके अलावा, ऊपर में जो सेलेक्ट किए उसके अलावा दूसरे काम करते हैं तो सेकंड में लेंगे, नहीं काम करते तो
छोड़ देंगे, उसको आप नहीं भी फिलअप करेंगे तो चल जाएगा क्योंकि स्टार नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू करना। जैसे सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो अभी बैंक डिटेल्स पूछा जा रहा, मतलब जिनका कार्ड बना रहा उनका अकाउंट डिटेल्स, तो आपको जिसका कार्ड बना रहा उसका बैंक अकाउंट नंबर को सही से ही फिलअप करेंगे, क्योंकि यहाँ अगर अकाउंट नंबर गलत टाइप कर देंगे, जीरो बीच में छूट जाएगा, वन छूट जाएगा, तो उनका फिर बाद में इन फ्यूचर अगर कोई भी गवर्नमेंट अगर जो ई श्रम कार्ड में दिया जा रहा बेनिफिट, कोई भी अगर पेंडेमिक सिचुएशन आता है और अगर 500,000 रुपया करके ई श्रम कार्ड में सेंड करते हैं तो उनका अकाउंट नंबर अगर यहाँ पर गलती रहेगा तो उस केस में अकाउंट में पैसा आएगा ही नहीं। तो यहाँ पर अकाउंट नंबर ध्यान देंगे और सही अकाउंट नंबर फिलअप करेंगे, जिनका कार्ड है उन्हीं का अकाउंट नंबर यहाँ पर डालना है, गार्जियन का या फिर किसी और का नहीं। अकाउंट नंबर डालेंगे, अकाउंट नंबर डालेंगे, अकाउंट में क्या नाम है वो नाम को फिलअप करना, उसके बाद आईएफएससी कोड फिलअप करना है, उसके बाद यहाँ पर सर्च करेंगे आईएफएससी कोड से तो नाम और बैंक ऑटोमेटिक आ जाएगा ब्रांच, फिर सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो आपका सारा डिटेल्स प्रीव्यू होगा कि आप जो फिलअप किए हैं सब कुछ सही है या फिर नहीं। फिर आपको कंफर्म करना है यहाँ पर आई एम नॉट ए मेंबर ऑफ ESI EPFO, मेंबर नहीं है, आई एम नॉट इनकम टैक्स पेयर, मतलब इनकम टैक्स फिल हम नहीं करते, टैक्स पे नहीं करते, इनकम टैक्स ITR फिलअप ही नहीं करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको ये कन्फर्म कर लेना है कि हाँ हम सब कुछ सही फिलअप किए हैं, अगर गलती किए हैं तो अभी एडिट कर सकते हैं, एडिट में एक ऑप्शन है, नहीं तो आप कंटिन्यू करेंगे तो आपका कार्ड यहां पर शो हो जाएगा, देख सकते हैं ई श्रम कार्ड भारत सरकार का आपका फोटो आएगा, उसमें आपका नाम डिटेल्स आएगा और आपका जो है UN नंबर भी यहां पर मिलेगा, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर UN नंबर। उसके बाद कार्ड को डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड UN कार्ड का ऑप्शन इधर, वहां से आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपका कार्ड PDF फाइल में डाउनलोड हो जाएगा, उसको आप प्रिंट आउट करा लेंगे अच्छा से, जैसे आधार कार्ड प्रिंट कराते हैं बाहर में कहीं भी, या फिर PDF फाइल मोबाइल में डाउनलोड कर लेंगे, कंप्यूटर में रख लेंगे और इसको आप प्रिंट आउट करके अपने घर में जैसे आधार कार्ड पैन कार्ड को रखते हैं वैसे लेमिनेशन करके रख लेंगे, बाद में आपका काम आएगा, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना इन्फॉर्मेशन, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, फ्रेंड ग्रुप में शेयर करें, जो भी नया अपडेट आता है इस श्रम रिलेटेड मैं आप लोग को अपडेट कर दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो पे।